दिल्ली की तीन सीमाओं पर किसान डटे हैं, तो वहीं किसान आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए जगह जगह महापंचायतें हो रही हैं। इन महापंचायतों के जरिए मोदी विरोधी पार्टियां अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटी हैं। किसानों को लेकर सड़कों में आंदोलन हो रहा है, तो संसद में भी बवाल मचा हुआ है। उसके अंदर शामिल था और मैं पंचायत पर पंचायत, बैठकों पर बैठक, पश्चिमी यूपी हो या फिर हरियाणा, किसान आंदोलन के समर्थन में गांव गांव में महापंचायतें हो रही हैं। खापों का हुक्का तेजी से गुड़गुड़ाने लगा है। इन खाप पंचायतों का कोई नेता नहीं होता, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने चुपके से यहां एंट्री मार ली है। नेता किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। पश्चिमी यूपी में जनाधार खो चुकी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी किसान आंदोलन के नाम पर एक्टिव हो गई है। आरएलडी की कमान अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी के कंधों पर है। जयंत खाप पंचायतों में जाकर वोट के अपने पुराने फॉर्मूले को मजबूत कर रहे हैं। कल जयंत ने शामली में सभा की। जयंत चौधरी ने किसानों को फिर बीजेपी के नाम पर उकसाया। जयंत चौधरी ने मोदी सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा करने वालों का भी सपोर्ट किया। ये भाजपाइयों को तो दूसरा झंडा थामना पड़ेगा। जयंत भाई इधर को। ये वो लोग हैं जो जब इन्होंने तिरंगा चलाया था, लड़ाई लड़ी थी, उनके हाथ में तिरंगा नहीं था, वे नहीं फहराते थे। और आज वे लोग आपको कह रहे हैं कि तुम लोग बागी हो गए, तुम्हारे अंदर राष्ट्रीयता नहीं बचरी। ये दलाल, ये झूठे लोग, ये कह रहे हैं किसान आतंकवादी है, इन्हीं की मित्र मंडली के लोग हैं। और आपने पता है ये वही लोग हैं जो शहनशाह बैठे हैं दिल्ली में, उन्हीं की मित्र मंडली है। जयंत चौधरी ने पुलिस को भी चुनौती दी। कहा, पुलिस वाले अपना फर्ज निभाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर उन्होंने किसानों का रास्ता रोकने की कोशिश की तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं। नौजवान तो दूसरे मूड में आए हैं, ये छोड़ने वाले नहीं किसी को। जिसे कहते हैं देसी भाषा में लत्ते फाड़ देंगे। ऐसे में भड़काऊ भाषण की वजह से किसानों के शांतिपूर्ण चक्का जाम के वादे पर पुलिस को भरोसा नहीं हो रहा, और इसी वजह से दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, जिससे कि एक भी उपद्रवी दिल्ली में एंटर न कर सके। किसानों पर सियासत सिर्फ सड़क पर ही नहीं हो रही, अब ये संसद के अंदर भी छाया है। कल संसद में विरोधी दलों ने एकजुट होकर सरकार पर हमला किया, तो सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोर्चा संभाला। नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसान और विपक्षी दल किसान कानूनों को काला कानून कह रहे हैं, लेकिन वो सबसे ये पूछ कर थक गए कि आखिर इस कानून में काला क्या है। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा। सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें, लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। कृषि मंत्री ने कृषि कानूनों के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा, नए कानूनों के जरिए केंद्र सरकार तो किसानों पर टैक्स का बोझ कम कर रही है, इसके बावजूद इन कानूनों का विरोध हो रहा है। हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है, तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन देश में उल्टी गंगा बह रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी स्पीच में कहा था कि किसान आंदोलन सिर्फ एक राज्य के किसान चला रहे हैं, लेकिन शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इसे गलत बताया। और अब देखिए आज सुबह की हेडलाइन।